19 जुलाई लक्ष्मी का वार, आज है शुक्रवार। कुंडली के इंद्र योग से कर्म ही आपकी पूजा है और इसी के माध्यम से आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। चंद्रमा और शनि का पराक्रम और लाभ का संबंध आपके साथ आज न्याय होने वाला है। अपनों के साथ सुर ताल और लय बैठने वाला है। चंद्रमा और गुरु का षडाष्टक दोष यात्रा में या शुभ और मांगलिक कार्यों में कोई बाधा आ सकती है। मान सम्मान और सुख समृद्धि प्राप्ति के लिए शुक्रवार का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य राहु का ग्रहण दोष अगर आपकी कुंडली में 11th हाउस में तो क्या होगा इसका प्रभाव। हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है, इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 19 जुलाई लक्ष्मी गवार शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं। प्रिय साथियों, पुराणों में कहा गया है कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मृत्यु से भयभीत होने की जगह सत्कर्मों के माध्यम से अपने जीवन का अच्छा या जीवन को अच्छा बनाने के प्रयास में लग जाना चाहिए। एक कथा है, जैन संत तुलसी जी एक बोध कथा सुनाया करते थे। एक मछुआरा समुद्र से मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन एक साधु समुद्र के तट पर बैठे हुए मछुआरे के पास आकर बैठ के बात करते और पूछते हैं कि मित्र, क्या तुम्हारे पिता है? तो उसने जवाब दिया, नहीं, वो समुद्र में एक बार बड़ी मछली उन्हें निगल गई तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। साधु ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा भाई है? कि मेरे भाई, चाचा जी और मेरे एक छोटा भाई नौका डूब जाने के कारण इस समुद्र में समा गए। उसके बाद मछुआरे से पूछा कि भाई, तुम्हारे परिवार के चार चार लोग अगर इस समुद्र में लीन हो गए हैं तो तुम्हें क्या मृत्यु का भय नहीं लगता है? तुम क्यों यहाँ पर जाल डाल रहे हो? तुम्हारे विनाश का कारण भी क्या पता है समुद्र ना हो जाए। तो वह व्यक्ति बोलता है कि मरने से भय नहीं लगता है, क्योंकि मौत जिस दिन आनी होगी आएगी ही। आपके भी घर वाले, दादा, परदादा, पिता शायद ही समुद्र तट तक अभी आए होंगे, उसने साधु से कहा। फिर भी वे सब चल बसे। मौत कब आएगी और कैसे आएगी यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। फिर मैं बेकार की मौत को लेकर भय क्यों रखूं? इस कहानी का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के भय से आप बाहर निकलकर इस भय को त्याग दीजिए और अच्छे कर्मों में लग जाइए, क्योंकि कई बार आपके बनाया हुआ डर सिर्फ आपका खुद का डर होता है, वो होता नहीं है। अज्ञात भय हम लेकर घूमते हैं, हम खुद ही उसे क्रिएट करते हैं। इसे हटाइए और बिल्कुल निश्चिंत होकर जीवन जीना चाहिए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनल मिलना चाहते हैं तो मैं 19 जुलाई को मुंबई हूं, 20 जुलाई नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई को गुड़गांव गुरुग्राम और 28 जुलाई को काठमांडू रहूंगा। अगस्त महीने में 3 अगस्त मैं अहमदाबाद रहूंगा, 4 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली और 11 अगस्त को पुणे रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनल मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट से भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर आप मुझसे गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उस दिन मैं आपसे एक मिनट के लिए वीडियो कॉल पर बात करूंगा। दूसरी बात, 22 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहे हैं। चार सोमवार तक हमारे पंडित जी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष पूजन करेंगे। इसके लिए आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें जरूर भेजिए। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 7:41 तक त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन मूला नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया इंद्र योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो दो बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौकड़िया रहेगा। परंतु सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज आपको ध्यान रखना है कि कर्म से ही भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य से कर्म नहीं मिलेगा। बुध आदित्य इंद्र योग के बनने से वर्क प्लेस पर
आपके बेहतरीन मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने के कारण आपको सफलता मिलेगी और जिसमें आपको अपना हुनर भी दिखाने का मौका मिलेगा। एम्प्लॉयड पर्सन सभी आयामों में पूरी ईमानदारी से काम करें और बॉस की नजरों में आपका काम आ रहा है, को वर्कर्स के साथ सुरताल और लय बिठा लीजिए। आपको जो सफलता मिल रही है वो किसी को रास नहीं आ रही है, इसलिए कुछ लोग अड़ंगे जरूर लगाएंगे, पर आप कॉम्पिटिशन मत करिएगा किसी से, सिर्फ अपने काम को ईमानदारी से करते रहिए। बिजनेस पर्सन अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे और लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नोट्स बनाकर अपनी कमियों को कैसे दूर करना है इसे लिख लिख अगर काम करेंगे तो आपको आज अच्छा लाभ मिलेगा। माता पिता को चाहिए कि बच्चों के साथ एक तरह से कम्युनिकेशन गैप ना होने पाए, बच्चों के अंदर झूठ बोलने की आदत ना पड़ जाए, क्योंकि माँ बाप खुद झूठ बोलेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। जो लव बर्ड्स हैं, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर हैं, जुबानी जंग होने वाली है, इसलिए दिल की गहराई में उतरें, दिल से उतरने का काम नहीं करें। थायराइड की तकलीफ या जिनको हीमोग्लोबिन की तकलीफ है, किसी प्रकार का हार्मोनल इंबैलेंस है, उन लोगों को आज ध्यान ज्यादा देना होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। ननिहाल से आज आशीर्वाद मिलेगा, अनबन दूर कर लीजिएगा। वर्क प्लेस पर टारगेट बेस्ड जो लोग काम करते हैं, इतना टारगेट हमें दिन में कंप्लीट करना है, हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए, अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए और प्रयास लगातार करिए, आप आज जीत जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में कुछ बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने पर जोर दिया जाएगा, सीनियर का प्रेशर भी आप पर रहेगा। बिजनेस रिलेटेड कोई भी फैसला लेने में जल्दीबाजी न करें, इमोशंस में आकर न लें, अनुभवी और बड़े बुजुर्गों से विचार विमर्श करने के बाद ही लीजिए। बिजनेस पर्सन पैसों के लेन देन को अपने ही सामने करें, किसी को ओटीपी शेयर नहीं करें, किसी को अपने काम के राज शेयर नहीं करें, वरना आपको नुकसान आज हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत आप करने वाले हैं, कठिन काम को भी सरल करने वाले, अपने गुरु, टीचर, कोच, मेंटर की मदद ले सकते हैं। ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दान ही नहीं। आपको किसी भी तरह के वाद विवाद में आज नहीं पड़ना चाहिए और पड़ चुके हैं तो उसमें से बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है जो तनाव पैदा करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ बैठकर बातचीत करिए, उनकी मदद करने मौका मिले तो मदद करिए और उनकी अच्छी या बुरी कंपनी पर नजर जरूर रखिए। मिथुन राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, किस पार्टनरशिप से आप जुड़े हुए उसके साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए, कुछ भी त्याग करना पड़े करिए। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ ही टाइम मैनेजमेंट भी करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन के स्थान परिवर्तन यानी ट्रांसफर की कोशिश आगे बढ़ रही है। ऑफिस में नई रेस्पॉन्सिबिलिटी, नया मैनेजमेंट, नए कलीग आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। बुध आदित्य इंद्र योग के बनने से बिजनेस पर्सन काफी समय से अगर कोई निवेश के बारे में सोच रहे थे तो आज वो कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो या शेयर हो। बिजनेस पर्सन बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज ट्रैवल भी कर सकते हैं और वीकेंड को एंजॉय करने का मौका भी मिलेगा। पुलिस, फौज, प्रशासन, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये समय बड़ा शानदार है। स्कॉलरशिप की चिंता मत करिएगा, ईर्ष्या भाव यानी जेलेसी मत रखिएगा। किसी और की उन्नति देखकर मन में ईर्ष्या आएगी तो आप अपने काम से भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपके लिए कर्म ही पूजा होनी चाहिए, तभी आपके मार्ग प्रशस्त होंगे सफलता के। परिवार में अपनी उपयोगिता को दर्शाइए, जहां पर जितनी जरूरत है उतना ही रहिए वहां पर। अपनी समझ और हंसमुख स्वभाव से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आप खुश कर देंगे। खान पान में लापरवाही मत करिएगा और ट्रैवल में तो बिल्कुल भी नहीं, वरना आपको कोई नुकसान हेल्थ को लेकर हो सकता है। कर्क राशि, पुराने किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा भी मिल सकता है। वर्क प्लेस पर काम को पूरा करने के लिए मेहनत का नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन का बॉस के साथ तालमेल आज थोड़ा कमजोर रहेगा और हो सकता है आप काम ढंग से न करें, किसी और को काम देकर आप फ्री हो जाएं तो ये गलत होगा। बुध आदित्य और इंद्र योग के बनने से जो लोग इंटरेस्ट पर पैसा देते हैं, शेयर बाजार या फिर कोई फाइनेंशियल जो कंसल्टेंसी देते हैं, उन लोगों के पुराने बकाए अब निकल सकते हैं। प्रखर बुद्धि और स्मार्ट वर्क के चलते परिवार की चुनौतियों से आप बाहर निकल जाएंगे, उलझन को सुलझा लेंगे। लव बर्ड्स को आज प्रेम को दर्शाने का मौका मिलेगा, अपने मन की बात को कहने का आपको मौका मिलेगा। किसी और की गलती है तो माफ कर दीजिएगा। फैमिली के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको पूरा मिलेगा और इस सहयोग से आप देखेंगे कि आपके काम कैसे बनते चले जाएंगे। सेहत के मामले में शारीरिक रूप से तो ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से फिट होना होगा, इसके लिए योग, प्राणायाम और ध्यान करना होगा। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब के साथ कोई और पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज सुखद दिन है, शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। प्रिय साथियों, आइए अब चार राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि मान सम्मान किसे नहीं चाहिए
और सुख समृद्धि हम सब चाहते हैं। इसके लिए सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर घर के पूर्व दिशा में एक लकड़ी का बाजोट, उस पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए और उसके मध्य में आपको माँ लक्ष्मी स्वरूप की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना है और लाल पुष्प अर्पित करें, धूप अगरबत्ती करें, शुद्ध घी के दो मुखी दीपक प्रज्वलित करें और बाद में श्री सूक्त का पाठ करें या फिर उसे सुन लीजिए। फिर मखाने और बताशे का भोग लगाएं। अंत में घर में मान सम्मान और समृद्धि के लिए आपको कपूर की आरती या फिर कपूर प्रज्वलित करके पूरे घर के हर कोने में उसकी खुशबू बिखेरनी चाहिए, उस धुएं को घुमाना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी समाप्त होगी, सुख समृद्धि और शांति आपके घर में व्याप्त होगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों को एक स्टूडेंट के तरीके से आज दिन को थोड़ा सा तब्दील करना है, परिवर्तन करना है, कुछ नया सीखना है, अपनाना है। बुध आदित्य और इंद्र योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी बेहतर वर्किंग एफिशिएंसी को देखते हुए नए प्रोजेक्ट की कमान आपको सौंपी जा सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन पर ऑफिशियल काम का दबाव अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा रहने वाला है, जिसके चलते पेंडिंग काम को अगर आप नहीं निपटाएंगे तो वो सब मैस हो जाएगा। बिजनेस पर्सन को अपने कार्यों को कंप्लीट करने के लिए अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा। घर के इंटीरियर, आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए महिलाओं को जिम्मेदारी दीजिए और जेब आज ढीली होने वाली है। स्कूल की ओर से मिले काम को समय पर करने के लिए बच्चों पर प्रेशर मत डालिए, बल्कि बच्चों को समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन और बुद्धि का बड़ा तालमेल शानदार रहेगा, जिससे पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगी। घर की जरूरत की चीजों को लिस्ट बनाकर खर्च करोगे तो जल्दी फ्री भी हो जाएंगे और कम पैसों में ज्यादा चीजें भी खरीद पाएंगे। सेहत के मामले में मन को शांत रखने के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करेगा। कन्या राशि। पारिवारिक कलह, डोमेस्टिक वायलेंस, इसे दूर करने के लिए कोई त्याग करना पड़े तो जरूर करेगा। वर्क प्लेस पर आप अपने वर्क रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा, वैल्यूएबल चीजें संभाल कर रखिए, कोई मिसयूज कर सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन को अपना समय बर्बाद करने से बचना है, क्योंकि आपके पास जो समय है उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। समय अनुकूल न होने पर बिजनेस पर्सन के कुछ काम होते होते रुक जाएंगे। धैर्य और संयम और लगातार कोशिश ही आपको आगे रखेंगे। बिजनेस पर्सन को कानूनी दिक्कतें और कहीं पैसा फंसने का नुकसान हो सकता है। आप भरोसा करके यदि कोई नया काम करेंगे और किसी और को रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देंगे, वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। घर के छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों के साथ आपको समय भी बिताना चाहिए और उनकी सेहत, उनकी चीजों पर ध्यान भी देना चाहिए, लेकिन आपकी खुद की सेहत के मामले में जॉइंट पेन आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। तुला राशि। दोस्त, यार, रिश्तेदार, जिसके साथ आपको बैठना उठना अच्छा लगता है, आज उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारिए। वर्क प्लेस पर पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ तालमेल तो सही बिठाना ही बिठाना चाहिए, लेकिन कोई आपकी इमेज खराब कर सकते, इसलिए ज्यादा हंसखेल कर बात करना भी बुरा हो सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन को ऊर्जा को और समय को सही दिशा में फोकस्ड रहते हुए लगाओगे तो आज खुशी जनरेट करेंगे। बिजनेस पर्सन को अति आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए, रूटीन से हटकर आज कुछ काम करना चाहिए। बिजनेस पर्सन की बिजनेस को लेकर दिमागी कसरत आज ज्यादा रहेगी और कॉम्पिटिटर्स पर आप ज्यादा ध्यान देंगे और अपने काम को डिस्टर्ब करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जैसे परिणाम चाहते हैं वैसी मेहनत की आप करते हैं, इस पर चिंतन और मंथन जरूर करेगा। पारिवारिक या लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ मूड बहुत स्विंग होने वाला है, इसलिए वीकेंड को एंजॉय करने का प्लान बनाइए। मौसम भी शानदार है, आपको धन का अनावश्यक उपयोग नहीं करना चाहिए, खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए और कुछ दान पुण्य आज जरूर करना चाहिए। डायबिटिक, हाइपर, जो टेंशन लेते हैं, एंग्जायटी के मरीज को आज ध्यान ज्यादा देना चाहिए। वृश्चिक राशि। पैसा कितना है आपके पास, पैसे से पैसा कैसे कमाएंगे, खर्चों को और कर्जों को कंट्रोल कैसे करेंगे, एटलीस्ट इस पर आज बात तो करिए। वर्क प्लेस पर ऑफिस की ओर से दिए गए प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करने के लिए आपको टीम की मदद लेनी होगी। एम्प्लॉयड पर्सन पर वर्कलोड कुछ कम रहेगा, जिसके चलते थोड़ी टेंशन भी कम रहेगी और वीकेंड को एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ आपको वक्त बिताने का मौका मिलेगा। बिजनेस में मिल रही सफलता से आपको बैठना नहीं है, नाम हो गया तो अभी बैठना नहीं है, आगे की रूपरेखा पर चलिए। नए आउटलेट खोलना है, नए लोगों को जोड़िए, नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए। बिजनेस पर्सन को आज यात्राएं करने का अवसर मिलेगा और वन टू वन बातचीत भी आपके अपने पार्टनर से हो सकती है। यदि मन किसी कारण आपका अशांत है तो आज मूवी देखिए, घूमने फिरने जाइए, कुछ स्पेशल करिए, एंथुजियास्टिक काम करिए। घर परिवार में यदि कोई मदद के लिए आता है तो उसको निराश नहीं करना है, आप अपनी जेब को देखकर ही आज खर्चा करें तो बेहतर रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आपस में कॉम्पिटिशन और ग्रुप डिस्कशन आपको बड़े लाभ देगा। गलत और गलत समय पर भोजन के कारण आपको पेट की तकलीफ हो सकती है। प्रिय साथियों,
आइए अब 8 राशिवाद गुरु पूर्णिमा स्पेशल बात करते हैं कि 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, इस दिन आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में ही क्यों आती है। देखिए, ज्ञान, विश्वास, गुरु और काल, इन चारों का अपना अपना महत्व है। ज्ञान में ध्यान हो, विश्वास में श्रद्धा हो, अंधकार से प्रकार की ओर प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरुदेव हो और आषाढ़ पूर्णिमा हो तो इस समय का असीम महत्व हो जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व परंपरा से प्रचलित है। महर्षि वेद व्यास जी ने जय नामक महाकाव्य को रचा, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार किया और कृष्ण द्वापायन के वेद व्यास कहलाए। इसी कारण इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वेद व्यास जी के 16 शास्त्रों और 18 पुराणों के रचयिता भी माने जाते हैं। उन्होंने गुरु के सम्मान हेतु आषाढ़ मास की पूर्णिमा को चुना और पुराणों में गुरु की महत्ता को महान माना है। बात करते हैं धनु राशि की। मन को शांत रखिए क्योंकि बेचैनी आज बढ़ने वाली है। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए शुभ है, अति शुभ बनाने का प्रयास आपको करना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन, जॉब चेंज या जॉब में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अभी और इंतजार करना होगा। पर्टिकुलर किसी खास प्रोडक्ट की बिक्री नहीं हो पा रही है तो जिसकी बिक्री हो रही है उस पर बिजनेस पर्सन को ध्यान ज्यादा देना चाहिए। कुछ भी स्टॉक भरने की कोशिश न करें। वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने वाले लोग, आईटी प्रोफेशनल लोगों को नए क्लाइंट मिलेंगे और करियर को चार चांद लगाने में आपके लिए कोई मददगार भी बनेगा। परिवार में लोगों के बीच रहने के बावजूद आपको अकेलापन महसूस होगा, इसलिए एकांत में रहें लेकिन चिंतन जरूर करिए। पॉलिटिशियन को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और जिम्मेदारी जो पहले मिली है उसका आपने क्या किया, इस पर चिंतन करिए। आप सकारात्मक और ज्ञानी लोगों की संगत में रहेंगे तो आपका दिन बड़ा शानदार रहेगा और मन भी शांत रहेगा। भाई बहन और अपनों के साथ कोऑर्डिनेशन सही बिठाओगे तो परिवार की एकता दिखेगी और बड़े बुजुर्गों को मार्गदर्शन भी मिलेगा। तकरार किसी से मत करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सिर्फ प्यार, इश्क और मोहब्बत होनी चाहिए। मकर राशि। बढ़ते खर्च और उससे मिल रहे कट से आप चौकन्ने हो जाइए। वर्क प्लेस पर आपका काम सीनियर और बॉस को पसंद न आने पर वह काम को सुधार करने की गुंजाइश आप जरूर रखिएगा, जिस कारण आप आने वाले टाइम में दोबारा कोई गलती न करें। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्कर्स के साथ अनावश्यक वाद विवाद पर नहीं ध्यान देना चाहिए। बिजनेस पर्सन को कस्टमर की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए माल को स्टॉक करना चाहिए, वरना स्टॉक बढ़ता जाएगा और बिक्री कम हो जाएगी। बिजनेस पर्सन को गलत डॉक्यूमेंट लगाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, टैक्स की या कोई और लाइबिलिटी आप पर आ सकती है। पुलिस, फौज, प्रशासन और एडमिन सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज सही दिशा मिलने वाली है। यदि आप घर के मुखिया हैं तो बेवजह का गुस्सा अपनों पर मत निकालिए। सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए स्पेस दीजिए। घर की साफ सफाई, रिनोवेशन पर आज धन खर्च होने वाला है और दोस्तों से या लव पार्टनर से सरप्राइज मिलने वाला है। वजन को कम करने और पेट की तकलीफों को कम करने के लिए आज कुछ स्पेशल सोचना चाहिए, वरना तकलीफ बढ़ जाएगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। आपका प्रॉफिट किस पे है? बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर वैसा ही चलिए। ये दिन आपका है। बुध, आदित्य और इंद्र योग के बनने से नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार का कर्जा यानी लोन ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो दोबारा सोच लीजिए कि आप उसे चुकाएंगे कैसे। बिजनेस पर्सन को सभी प्रकार का आज मान और सम्मान का अपनों के साथ ध्यान रखना चाहिए। कस्टमर के साथ आपको ढंग से पेश आना चाहिए क्योंकि आज आपको गुस्सा आने वाला है और मुनाफा भी कम आप करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपनी हरकतों पर नजर रखनी चाहिए और अपनी अच्छी या बुरी संगत है इस पर चिंतन करिए, कहीं आप समय खराब तो नहीं कर रहे हैं। फैमिली में विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपको इससे बचने की कोशिश करनी है। अपनी क्षमता के अनुसार गरीब या जरूरतमंद की मदद करने मौका मिलेगा, चूकिएगा मत, और पुण्य करने का भी मौका मिलेगा। यदि नए मकान के लिए टोकन देना चाहते हैं या फिर किराए का मकान चेंज करना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। आपके काम को आज बनाने में लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर मदद करने वाले हैं और आपको शुभ फल भी मिलेगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कोल्ड कफ और या फिर मौसम परिवर्तन आपको थोड़ा बीमार कर सकता है। मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों की जॉब क्या है, मतलब आप किस काम से अपने दिन को गुजारते हैं, उसमें आज रूटीन को थोड़ा परिवर्तित कर दीजिए। वर्क प्लेस पर आप अपना वर्क समय पर कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन तय करिए। देखिएगा, आप जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय करने के लिए निकल पड़ेंगे। प्रमोशन या ट्रांसफर की फाइल आपके आगे बढ़ने वाली है। एम्प्लॉयड पर्सन को पिछले किए गए प्रयास और काम से सम्मानित किया जा सकता है। यश में वृद्धि होगी। बिजनेस पर्सन को कोई नया सौदा करते समय सजग रहना चाहिए, आप महंगा सौदा करने जा रहे हैं। बिजनेस पर्सन, बुद्धि
और कल्पना शक्ति से अपने व्यवसाय को सफल और उच्च बनाएंगे। शाम के समय परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर मनोरंजन या आने वाले धार्मिक शुभ और मांगलिक कार्यों पर चर्चा कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के मन में अकारण ही इधर उधर की बातें आएगी, जिससे आपका मन विचलित होगा और आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। माँ के पास बैठ जाइए, मन शांत हो जाएगा और इस दुनिया में बिना स्वार्थ के सिर्फ माँ ही प्यार करती है। नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव लोग और एनवायरमेंट से तुरंत दूर हट जाइए, वरना आज बैठे बैठे अपने दिन को डिस्टर्ब कर देंगे। हेल्थ अच्छी है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करना चाहिए। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। सूर्य राहु का ग्रहण दोष अगर 11th हाउस पे हो तो इंसान को मल्टीपल सोर्सेस से इनकम मिलती है। किसी भी निवेश से वो लोग बड़े लाभ कमाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से या तो पिता का सुख कमजोर मिलता है, या पिता से बनती नहीं है, या पिता की खुद की आयु कमजोर हो जाती है। ऐसे लोगों के महिलाओं को अबॉर्शन, मिसकैरेज और ऑपरेशन होता है, और ऐसे लोग राजनीति और बड़े लोगों में शामिल होते हैं और हर प्रकार की सुख सुविधाएं उन्हें मिल ही जाती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है, तो पीले वस्त्र धारण करके पीले आसन पर बैठकर ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इसकी एक माला जाप करिए, अपने गुरु का स्मरण करिए, माता पिता के चरण स्पर्श करिए और विष्णु जी का नाम लेते हुए स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म, कुछ पैसा या फिर ऐसी कोई भी चीज जो गरीब बच्चों के काम आ सकती है उन्हें जरूर डोनेट करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जिसके पास गुरु नहीं वो निगुरा कहलाता है। चाहे कोई भी साधना हो, व्रत, पूजा पाठ हो, वो गुरु दीक्षा प्राप्त साधक सही ढंग से पूजा कर सकता है। वहीं जिसके पास गुरु दीक्षा नहीं है उसकी साधना अधूरी कहलाती है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा मैं आपको दूंगा विशेष दीक्षा। गुरु दीक्षा 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन दी जाएगी, जिस दिन आपके नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके गोत्र के आधार पर आपके लिए तैयार किया जाएगा गुरु शक्ति कवच, जिसे आप धारण कर सकते हैं, अपने पर्स, वॉलेट या अपनी कार में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, जिससे आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा हो सके। क्योंकि आज के इस युग में हम कहीं ना कहीं अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन गुरु दीक्षा कवच प्राप्त करने के बाद आपके पास वो शक्ति आएगी जो गुरु आपको प्रदान करेंगे और आपकी समस्याओं को हर लेंगे। आप इस नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।